नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुछ कुवैत के अपडेट हैं फ्लाइट से रिलेटेड। हालांकि न्यूज़ है 6 अगस्त की, मैं क्लियर कर दूं पहले ही, लेकिन भाई अच्छी न्यूज़ ये है कि फ़्लाइट से रिलेटेड, आपको पता है पहले एक वीडियो डाला था मैंने कि 31 कंट्रीज पे कुवैत ने बैन लगा दिया था करोड़, जहाँ पे COVID-19 महामारी ज़्यादा चल रही है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह, इस कंट्री फिलिस्तान वगैरह, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो भाई इन लगभग कंट्रियों पे, 31 कंट्रियों पे बैन लगाया था कि भाई फ़्लाइटें आ जा सकती, टोटली बंद हो गए, आना जाना सब बंद। लेकिन अभी इंडियन सरकार के, इंडियन डीजीसीए फ्लाइट डीजीसीए के साथ मीटिंग होने के बाद ये फाइनल हुआ है कि इंडिया के साथ फ्लाइटों को स्टार्ट किया जाएगा। जी हाँ साथियों, इससे रिलेटेड हम पूरी बात बताएंगे आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई मैं क्लियर कर दूं आपको, देखिए कि आपको पता है फ्लाइट से रिलेटेड कुवैत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कुवैत में बहुत इंडियंस बैठे हैं, लगभग 14 लाख के प्लस मैंने आपको बताए थे इंडियन है। हालांकि सरकारी दवा तो लोग कम ही करते हैं, लेकिन 14.4 मिलियंस के करीब इंडियन पीपल्स वहाँ पे हैं, जो सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस की हैं। और फ्लाइटें भैया आपको पता है क्या प्रॉब्लम है, तो मतलब इंडिया आने वाले लोग ज़्यादा हैं, फ्लाइटें नहीं थी बीच में, तो गवर्नमेंट ने इन आउट बाउंड दोनों बंद कर दिए थे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इंडियन वर्कर्स के लिए। यहाँ से जाना तो दूर की बात है, वहाँ से आना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अभी देखिए 6 अगस्त को डिसीजन हुआ है, दोनों देशों के साथ में बैठ के मीटिंग हुई है। तो साथियों बता दूं 10 अगस्त से, जी हाँ साथियों, अब रोज 10 अगस्त से लेके 24 अक्टूबर तक आने वाले तक आपके फ्लाइटों का संचालन जारी रहेगा कुवैत से इंडिया के लिए। जी हाँ, इंडिया से कुवैत के लिए नहीं, कुवैत से इंडिया के लिए। और बता दूं रोज 1000 इंडियन पीपल्स इंडिया पहुंचेंगे। जी हाँ, 1000 रोज के अगर आते हैं तो भी आप समझ सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा भाई, लेकिन क्या करें, 1000 कितने होते हैं यार, बहुत कम लोग होते हैं 1000, कोई ज़्यादा बड़े नहीं रहे, लेकिन फिर भी ठीक है 1000 इंडियन लोग अगर रोज कुवैत से इंडिया आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये बता दूं आपको 10 अगस्त से लेके 24 अक्टूबर तक का ये फैसला लिया गया है। जी हाँ, यहाँ साथियों बस ये अपडेट थी फ्लाइट से रिलेटेड, मैंने आपको बता दी भाई COVID-19 भी कुवैत में चल रहा है। मैंने एक वीडियो पहले सेपरेट अलग से बना रखा है तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको पता है सरकार ने वीज़ा पहले एक्सटेंड, जो मार्च लगभग 13 मार्च के पहले जो वीज़ा थे वो सब कैंसिल कर चुकी है। इंडिया से इधर से उधर जाने का कोई चांस अभी तक है नहीं, उधर से चांस भी 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है जो 24 अक्टूबर चलेगा। 1.5-2 महीने की आपको मौका मिल गया है भैया, अच्छी बात है। तो 1000 लोग पर डे इंडिया पहुंच जाएंगे, तो आप टिकट, आपको पता है आजकल वो फ्लाइट वो बंद हो गए, एम्बेसी वाला चक्कर नहीं है, तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के इंडिया आ सकते हैं, बेहतरीन मौका है। बस ये इन्फॉर्मेशन थी, शेयर कर दी, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।